टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। लैंडस्लाइड की घटना में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 36 तक पहुंच गई है। अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से 36 लोगों की जान चली गई है। वहीं NDRF की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। मुंब्रा बाईपास पर कल दोपहर के वक्त एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक में साबुन की जगह शराब की तस्करी की जा रही थी। सूचना मिलने पर ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर संदीप पाटिल मौके पर पहुंचे और जब ट्रक की जांच पड़ताल की गई तो साबुन लिखे हुए बॉक्स के अंदर शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रक को मुंब्रा पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसमें जाँच की जा रही है कि कौन कौन से कंपनियों के शराब की तस्करी की जा रही थी और ये शराब आखिर कहाँ ले जाया जा रहा था। बहरहाल जो ड्राइवर है वो फरार बताया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच मुंब्रा पुलिस कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये FIR मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इस FIR में परमवीर सिंह सहित 8 लोगों पर ये FIR दर्ज की गई है, जिसमें 2 सिविलियन और 6 पुलिसकर्मी शामिल। पोर्न वीडियोस के मामले में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर मुंबई पुलिस शुक्रवार को उनके घर की तलाशी के लिए पहुंची। इस दौरान पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और कुछ सबूत खंगालने की कोशिश भी की। 100 से ज़्यादा पोर्न वीडियोस बनाने के आरोपी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत भी कोर्ट ने बढ़ा दिया है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन पुल के लोहे के सरिये के नीचे 2 मजदूर दब गए। बताया जा रहा है कि सरिये के नीचे दबने की वजह से एक मजदूर की जान चली गई है तो वहीं एक मजदूर घायल है जिसे उपचार के लिए भर्ती किया गया है। यह हादसा जावरा से 8 किलोमीटर दूर उपलई में हुआ है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।